नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। किसान आंदोलन लगातार जारी है और आज 27 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन की बात कही गई थी और उसका मिला जुला असर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। देश के तमाम जगहों से किसानों के समर्थन में लोग जुट रहे हैं और इस बंदी को सफल बनाने में लगे हुए हैं। बिहार की बात करें तो बिहार पटना में सभी चौक चौराहों पर RJD, कांग्रेस और वामदल के सभी नेता जो है वो अपने अपने स्तर से प्रदर्शन कर रहे हैं। रास्तों को रोका जा रहा है और भी तमाम चीज़ें हैं। और इधर हाजीपुर की हम बात करें तो हाजीपुर में राजद प्रदेश महासचिव और महुआ के विधायक हैं डॉक्टर मुकेश रोशन के नेतृत्व में गांधी सेतु पुल को भी जाम कर दिया गया है। साथ ही विभिन्न सड़कों पर समर्थन निर्देश पर टायर जलाकर सड़कों को जाम कर चुके हैं। इधर विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने कहा कि 3 कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद में राजद तथा महागठबंधन समर्थकों को आम जनता का सहयोग मिल रहा है। अगर हम बात करें कि भारत बंद में मिला जुला असर तमाम जगहों से आ रहा है और समस्तीपुर, दरभंगा, मोतिहारी में भी बंद का असर देखने को मिला है। समस्तीपुर के बंद समर्थकों ने जिला मुख्यालय में ओवरब्रिज को जाम कर दिया है जिससे आवागमन ठप है। हालांकि बाजार आम दिनों की तरह ही खुला हुआ है। बंद समर्थक ने जुलूस निकाला लेकिन दुकान बंद नहीं हुई, बस सेवा प्रभावित है, लेकिन ट्रेन चल रही है। स्कूल व कॉलेज और सरकारी कार्यालय भी खुले हुए। इधर दरभंगा में भी लोग सड़कों पर उतर गए हैं और यहाँ भी बंदी का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी चल रही है। राजद कांग्रेस के लोग सभी सड़कों पर उतर करके और अपने प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मोतिहारी शहर में भी बंद का असर दिख रहा है और अधिकांश दुकानें हालांकि खुली हुई है और कुछ कोचिंग संस्थान बंद कराया गया है। हालांकि प्राइवेट स्कूल भी बंद करा दिया गया है। कुछ कॉलेज खुले हैं तो कुछ बंद भी है। बसों परिचालन हो रही है लेकिन बाहर जाने वाली सारी बसों को रोक दिया गया है। और ये तमाम बंदी का जो असर है वो बिहार के अलग अलग जिलों से अलग अलग तस्वीरें आ रही है और मैं लगातार आपको बंदी की सारी खबरें बताते रहूँगा। आप बने रहिए हमारे साथ। देना होगा किसानों को, वाजिब हक देना होगा।